नौशाद झुक के मिल के
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये थे तारिक मुनीर तैमी साहब, जो अपने खुशकुन और बहुत ही मज़ेदार अंदाज में हम सामने को महसूस कर रहे थे। अब मुझे ये बात समझ में आई कि इतनी सारी दरख्वास्तें क्यों आ रही थी कि तारिक साहब कुछ सुनाएं कुछ सुनाएं। मैं इनके तारुफ में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक शेर, मैं उसको भी शायर से माजरत के साथ थोड़ी तरमीम करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें जो अल्फाज है वो शरी एतबार से दुरुस्त नहीं है। वो ये कि तेरे अल्फाज के नगमों की तकद्दस की कसम, तो इसको मैं थोड़ी सी तरमीम करके साथ, तेरे अल्फाज के नगमों के पैदा करने वाले की कसम, तुझ में बुलबुल की चहक कुल की महक सब कुछ है। तो इनकी आवाज़ यकीनन सुनने के बाद, हालांकि इनसे मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है और ज़माने से है, लेकिन कहीं एक साथ रहने का उस तरह से मौका नहीं मिला कि इनकी हर चीज़ों को मैं जान सकूं। लेकिन आज सुनने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि यकीनन तारिक मुनीर साहब ये जहां देखने में एक इंसान ज़रूर है, लेकिन इनके अंदर बुलबुल की चहक और गुल की महक सारी खूबियाँ शामिल हाल है। इन्होंने जो अशआर पढ़े हैं तो इस दुनिया की हकीकत के ताल्लुक से वो बता रहे थे, उसकी तर्जुमानी कुरान करीम के आयत करीमा से हम यूँ कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि ये दुनिया जो है या दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ धोखे का सामान है। अगर हम दुनिया को सब कुछ समझ रहे हैं तो हम धोखे में हैं, और अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दुनिया के ताल्लुक से जो नसीहत दी है अगर हम उसको समझ रहे हैं तो दुनिया हमारे लिए आखिरत बनाने का एक ज़रिया है। इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अद दुनिया मज़रउल आखिरा, ये आखिरत की खेती है। अगर हम इस दुनिया के अंदर अच्छा करेंगे, आखिरत की तैयारी करेंगे, नेक आमाल करेंगे, तो यकीनन ये दुनिया हमारे लिए बेहतरी की जगह है। लेकिन अगर हम इससे हट के दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठेंगे तो यकीन मानिए इसको इसमें हमको धोखा के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। अब आप हजरात के सामने मुख्तसर अंदाज में दो प्रोग्राम रह गए, दो मुकालमात रह गए हैं, जिसको देखने के लिए तमाम लोग बहुत बेताब भी रहते हैं। गोया कि आपके मन चाहे और दिल चाहा प्रोग्राम है, उन दोनों को देखिए और उसके बाद तकसीम इनामात का सिलसिला शुरू होगा, और वो भी बहुत ही मुख्तसर अंदाज में इख्तिताम को पहुँचेगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद जो है इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जाएगा। चलिए पेश करिए, चलिए शुरू शुरू करें। आगे। आगे।